पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारत कृषक समाज मध्य प्रदेश भोपाल के अध्यक्ष अरुण यादव के आह्वान पर शुक्रवार को भारत कृषक समाज ब्लॉक कस्त्रावत ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की किसान और जन विरोधी नीतियों को लेकर राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव ने किया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में सिंचाई के लिए बिजली कंपनियों द्वारा बनाया गया शेड्यूल किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस शेड्यूल को तत्काल बदलने सहित किसानों की कई अन्य समस्या और कर्ज माफी को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानगण उपस्थित थे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। किसानों के सम्मान में और किसानों की मांगों को लेकर भारत कृषक समाज द्वारा आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन को हम माननीय तहसीलदार महोदय को दे रहे हैं और उनसे निवेदन है कि ये हमारी मांग, किसानों की मांग महामहिम राज्यपाल महोदय तक पहुंचाई जाए। मैं इसके मुख्य अंश कुछ पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल जी, आज ज्ञापन दिया था किस संदर्भ में था सर? आज ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार को महामहिम राज्यपाल महोदय को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से दिया गया है, जिसमें जो है वर्तमान में जो है किसानों को जो है बिजली संबंधी जो समस्या है कि रात में जो है 4 बजे से लगाकर सुबह 8:15 बजे तक, 4:15 से 8:15 बजे तक दी जा रही है। बिजली का शेड्यूल चेंज किया जाए और किसानों को जो यथावत पूर्व में जो बिजली दी जा रही थी उसी शेड्यूल के माध्यम से बिजली दिया जाना चाहिए। और जो रात्रि में बिजली आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है मानवता के तट पर जो है हमारे कई हमारे तहसील विधानसभा क्षेत्र के गांव बसे हैं, जिसमें किसानों को जो है रात में पानी देने जाना पड़ता है। जंगली जानवरों का जो है भय बना रहता है। पूर्व में जंगली जानवरों के द्वारा कुछ वारदातें भी हुई है, इसलिए जो है आज हमारी विशेषकर विधानसभा कसरा विधानसभा के लिए दिन में भी बिजली दिया जाना उचित है। कल मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा क्या इसके लिए? मध्य प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इन्होंने जो है ये जो सम्मेलन किया जा रहा है वास्तव में ये यदि आदिवासी वर्ग के हित की तेजी है तो उसमें जो खर्च किया जा रहा है 13 से 14 करोड़ रुपये वो आदिवासी उप योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों के लिए पढ़ाई लिखाई और उनकी शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जो पैसा है उस पैसे का उपयोग कर नाजायज किया जा रहा है। यदि आदिवासियों की इतनी तेजी है और उनका कार्यक्रम करना है तो ये सरकार के दूसरे बजट से इन्होंने किया जाना था। इन्होंने जो आदिवासी वर्ग का जो बजट केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित होता है उस मद में से जो खर्च किया वो और गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।